भूल से भी मंदिर में ना रखे ऐसे फूल, वरना घर में बढ़ सकता है तनाव। वास्तु शास्त्र के अनुसार उसमें बहुत से चीजों के बारे में बताया गया है जिनसे घर में नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है और पॉजिटिव एनर्जी फैलती है। इसी के साथ वास्तु शास्त्र में पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले फूलों के बारे में भी बताया गया है। आज हम आपको उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। जी दरअसल आप सभी ने अक्सर देखा होगा कि पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले फूल कुछ दिन बाद सूख जाते हैं। हालांकि उनके सूखने के बाद लोग उन्हें वहीं रखा छोड़ देते हैं, लेकिन वास्तु जानकारों का कहना है कि घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए, बल्कि इनकी जगह घर में ताजे फूलों का इस्तेमाल करें। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहां ताजे फूल रहते हैं वहां वे दूसरे प्राणियों को अपनी एनर्जी से सराबोर कर देते हैं। हालांकि जब ये फूल सूख जाते हैं तो घर में नकारात्मकता भर जाते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अगर किसी इंसान का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसके कमरे में ताजे फूल रख दे। जी हाँ, क्योंकि ये रामबाण साबित होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखे सूखे फूल नकारात्मकता फैलाते हैं। इस वजह से इन फूलों को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना ही सही होता है। हालांकि अगर आप चाहे तो सूखे हुए फूल गमले में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा कई बार पूजा में इस्तेमाल होने वाले फूलों या फिर मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलने वाले फूल को लोग अक्सर घर में ही रखा छोड़ देते हैं और इन्हें भगवान का आशीर्वाद समझकर रखते हैं। हालांकि वास्तु के अनुसार ऐसा करना गलत होता है। वैसे आप चाहे तो इन फूलों को किसी पेड़ की मिट्टी में भी गाड़ सकते हैं। तो ये भूल कभी न करें। सूखे फूल घर में कभी न रखें। इससे घर में बढ़ सकता है तनाव।